चैनल। आज है हमारा दिल्ली में लास्ट डे और अब हम आए हैं इंडिया गेट, क्योंकि कल जब हम आए थे इंडिया गेट हमें बंद मिला और जाने से पहले तो यहाँ आना ही था। यहाँ आने के पहले सबसे पहले जल्दी उठकर अराउंड 10:30 हम गए चांदनी चौक। वहाँ पे हमने फेमस पराठे ट्राई किए और उसके बाद हम गए रेड फोर्ट और आ गए यहाँ। अब यहाँ से हम सोच रहे हैं लोटस टेम्पल जाएंगे, उसके बाद अगर टाइम मिलता है तो कुतुब मीनार और फिर बस, उसके बाद एयरपोर्ट और घर। So before we explore this historic place, let's start with चांदनी चौक for a delicious breakfast. चांदनी चौक famous है street food के लिए और आज हम जा रहे हैं पराठे वाली गली और यहाँ पे आपको बहुत से options मिल जाएंगे खाने में, पर हम try करने वाले हैं यहाँ के पराठे। ये शॉप आपने बहुत से वीडियोस में देखी होगी और यहाँ पे कई सेलिब्रिटीज़ भी आके गए हैं और यहाँ की ख़ास बात ये है कि यहाँ पे पराठे सेके नहीं जाते हैं बल्कि तले जाते हैं, वो भी देसी घी में। यहाँ आपको बहुत से ऑप्शंस मिल जाएंगे पराठे में और ट्रस्ट मी, आप यहाँ पे आके ज़रूर ट्राई करें, आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। ब्रेकफास्ट के बाद आप यहीं से ऑटो ले सकते हो रेड फोर्ट के लिए। हार्डली 15 मिनट्स का रास्ता है तो जाना तो बनता है। After exploring India Gate, you can enjoy some bhel puri and chaat. हमने कुछ birds and squirrels को peanuts feed किया, which was a fun and relaxing experience. इंडिया गेट के बाद आप जा सकते हो विजय चौक, जो बस 5 मिनट्स का ड्राइव है। There you can spend about half an hour admiring the old and new parliament buildings. Now let me hydrate myself and move on to the next location, which is the Lotus Temple. सो दिस इज़ आवर लास्ट लोकेशन। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा हम कल यहाँ आए थे और यहाँ के राजमा चावल हमें इतने पसंद आए कि यहाँ से जाने के पहले यहाँ आना तो बनता ही था। तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नई जगह एक्सप्लोर करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।